हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही व्यूवर्स का इस्तकबाल किया जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। ये एग्ज़ाम 8 जनवरी से 17 जनवरी के दरमियान मुनक्किद किया गया था। इस दौरान स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। अगर वो कैटेगरी या किसी भी किस्म के रिलैक्सेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसी के साथ बहुत जल्द स्टूडेंट्स को पर्सनालिटी टेस्ट यानी के इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप स्क्रीन पर जो ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का शेड्यूल दिया जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। किसी के घर पर किसी भी किस्म का कुरियर या पोस्टल लेटर नहीं भेजा जाएगा, इसलिए आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर नज़र रखनी है। स्टूडेंट से कहा गया है कि वो डेफ सेकंड ऑनलाइन फिल कर दे। डेफ सेकंड फिल करने का जो पीरियड बताया गया है, 25 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डेफ सेकंड सबमिट करना होगा। इस डेफ के अंदर वो अपने सर्विसेज और केडार के हवाले से प्रेफरेंस को चूज़ कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो लोग मेंस क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, यानी कि उन लोगों का इंटरव्यू कॉल नहीं आने वाला है, उन लोगों की आंसर कॉपी 15 दिनों के अंदर अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी, जो कि 30 डेज तक वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगी। इन 30 दिनों में उन लोगों को चाहिए कि वो अपने आंसर शीट को डाउनलोड कर ले। अब स्क्रीन पर आप वो रोल नंबर्स देख रहे हैं जिन लोगों ने मेंस क्लियर कर लिया है। आप पॉज करके रोल नंबर को देख सकते हैं, अपने शनासाओं के, अपने दोस्तों के, अपने जान पहचान वालों के, या नूरी एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इसे अपलोड कर देंगे, या फिर आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों के नंबर्स इस शीट में नज़र आ रहे हैं, नूरी एकेडमी की जानिब से उन तमाम ही अहबाब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की जाती है। जिन लोगों के नंबर्स इस लिस्ट में शामिल होने से रह गए हैं, उन्हें चाहिए कि वो मज़ीद कोशिश करें, मेहनत करें और अगले महीने जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी करें। मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।